एलपीजी के बड़े दामों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी को घेरा। झांसी में बीकेडी चौराहे से इलाइट चौराहे तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा एलपीजी के बढ़े हुए दामों को लेकर पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य सहित तमाम कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर, जहां एलपीजी के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी को घेरते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। झांसी में बीकेडी चौराहे से इलाइट चौराहे तक कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं के द्वारा एलपीजी के बढ़े हुए दामों को लेकर यह पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य सहित तमाम कांग्रेसी नेता शामिल रहे। आप थोड़े आगे आओ, थोड़े आज पूरे देश में जनता सड़कों पे है और कांग्रेस ने जनता की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय किया है। अडानी की जेब को भरने के लिए पूरे देश की जनता का पैसा LIC और SBI में जो लगा था वो उनके पास पहुंच गया। और गैस की कीमतें, जो घर का सिलेंडर है उस पर 50 रुपये और जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उस पर 350 रुपये बढ़ाए, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज होली के त्यौहार पे गुजिया, पपड़िया और मछली बनने के लिए जहां महिलाएं बैठी हैं, उन महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर देना चाहिए, जैसे कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने किया है। 500 रुपये का सिलेंडर योगी बाबा को और मोदी जी को करना चाहिए, ना कि कीमतें बढ़ाना चाहिए। चलो महंगाई, आज किस प्रकार से प्रदर्शन किया? आज हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के निर्देशन में और भाई मुकेश अग्रवाल जी, नीता अग्रवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनीराम कुशवाहा जी, सारे लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि पूरे शहर में हम सिलेंडर को कोहिनूर हीरा की तरह सजाकर माल्यार्पण करके उसको घुराएंगे और इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने तक लगातार आंदोलन करेंगे। चलिए।